हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो हमने बेसिक थ्योरी जो है मैग्नेटाइजेशन की, मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए मटेरियल, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि वो हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वांटिटीज लाइक एच वेक्टर विच इज मैग्नेटाइजिंग फोर्स, एंड देन आई वेक्टर और एम वेक्टर विच इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। जब भी हम किसी मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस मटेरियल के अंदर मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो जाता है। बच्चों, जैसे ये मान लो कोई मटेरियल है, तो इस मटेरियल को दो कैटेगरी में लेके जा सकते हैं। एक तो कैटेगरी है कि इट हैज परमानेंट डाइपोल्स, ऑलरेडी इसके अंदर परमानेंट डाइपोल्स हैं, और दूसरी कैटेगरी हम कह सकते हैं कि देर आर नो परमानेंट डाइपोल्स। अगर पहले से ही परमानेंट डाइपोल्स हैं लाइक दिस, देर आर स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मटेरियल, तो जब हम इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, जैसे मान लो यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है, उन सब पे टॉर्क लगता है और वो सारे डाइपोल्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। तो जब परमानेंट डाइपोल्स होते हैं बच्चों, वो सारे के सारे डाइपोल्स मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग ही अलाइन होते हैं। ये सेम वही डाइपोल्स हैं जो मैंने पहले ग्रीन कलर में बनाए थे, अब मैं पिंक से बना रहा हूँ, अब वो अलाइन हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पर एक एक्सटर्नल फील्ड है बी नॉट। तो अगर परमानेंट डाइपोल्स हैं तो डायरेक्शन जो होती है ना बी एम वेक्टर की, जो अंदर डाइपोल्स अलाइन हुए हैं उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आई है बी एम वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, उसकी डायरेक्शन और अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है अगर परमानेंट डाइपोल्स होंगे। इसको फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। परमानेंट डाइपोल्स हैं लेकिन एक सिंगल डाइपोल है, मतलब पेयरिंग नहीं हो रही डाइपोल्स के बीच में, देर आर सिंगल परमानेंट डाइपोल्स, उनमें स्पिन्स की पेयरिंग नहीं हो रही, तो वो पैरामैग्नेटिक की कैटेगरी में आ जाता है मटेरियल। ठीक है, देर इज नो पेयरिंग, देर आर सिंगल परमानेंट डाइपोल्स। और अगर डाइपोल्स के अंदर आपस में पेयरिंग है तो मैग्नेटिक डोमेन्स बन जाती है। तो मैग्नेटिक डोमेन्स बनने के बाद जो मटेरियल हमारे पास आता है, जहां पे मोर देन वन अनपेयर्ड मैग्नेटिक डाइपोल्स हमारे पास होते हैं, उनको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स बोलते हैं। तो इन दोनों को हम डिटेल में आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी हम आज करने वाले हैं वो वाला केस व्हेन देर आर नो परमानेंट डाइपोल्स, तो सच काइंड ऑफ मटेरियल्स एग्जिबिट डायामैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिज्म में थोड़ा सा रिवर्स होता है काम, पहले मैं लिख लेता हूं कि ये डायमैग्नेटिज्म है। अब डायमैग्नेटिज्म के केस में क्या होता है कि परमानेंट डाइपोल्स तो होते ही नहीं है, मटेरियल जस्ट इस तरह का होता है हमारे पास। इलेक्ट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं, बट उनकी पेयरिंग हो चुकी है। पेयरिंग होने के कारण एक स्पिन हाफ वाला इलेक्ट्रॉन है, एक स्पिन माइनस हाफ वाला इलेक्ट्रॉन है। वो जो हमारे पास एक्सटर्नल शेल है उसमें कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं है जो अनपेयर्ड हो, तो उस केस में परमानेंट डाइपोल्स नहीं होते। मतलब किसी भी एटम की अपनी जो मैग्नेटिक मोमेंट है, जिसको हम यू एम वेक्टर लिख रहे थे, वो नहीं होता। तो इस तरह से हम मटेरियल बना सकते हैं, लेकिन वहां पे ये तो है कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ये चीज तो है। बट एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे है तो दूसरा ऑपोजिट डायरेक्शन में, यू कैन इमेजिन, सो देयर मैग्नेटिक मोमेंट्स कैंसिल विद ईच अदर। देयर आर नो परमानेंट डाइपोल्स इन सच काइंड ऑफ मटेरियल्स, सो दे एग्जिबिट डायामैग्नेटिज्म। तो आज हम डायमैग्नेटिज्म की थ्योरी को स्टडी करेंगे, डायमैग्नेटिज्म के जो मटेरियल्स हैं उनकी एग्जांपल्स देखेंगे और प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। इन डायमैग्नेटिक मटेरियल, नंबर वन, द इंडिविजुअल एटम्स, द इंडिविजुअल एटम्स डू नॉट पोजेस परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट, परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट। नंबर टू, व्हेन वी अप्लाई एक्सटर्नल फील्ड, व्हेन वी अप्लाई एक्सटर्नल फील्ड, Atoms acquired a small magnetic moment in the direction opposite to, in the direction opposite to applied field. मीन्स
अगर मैं एक सिंगल एटम की बात करूं, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बन, लेट अस सपोज दिस ऑर्बिट में घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है या उसका करंट कह लेते हैं, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन ही मान लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। अब जब आप इस एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो बच्चों, तो इस इलेक्ट्रॉन के मोशन पे इफेक्ट पड़ता है, या तो ये स्पीड अप हो जाता है या ये स्लो डाउन हो जाता है। कैसे होता है, क्यों होता है, उसको मैं अभी डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो अगर यहाँ पर हम एक एक्सटर्नल फील्ड लगा दें पी नॉट वेक्टर, तो उस केस में जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो इस इलेक्ट्रॉन के मोशन में जो चेंजेस आ रहे हैं ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, उन चेंजेस के कारण देयर इज इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज ड्यू टू लेंस लॉ, हमने लेंस लॉ पढ़ा हुआ है ईएमआई में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। बस जो ईएमआई में होता है सेम वही चीज यहाँ पे होती है, मैग्नेटिक फोर्स लगती है इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर, जिसके कारण ये या तो स्पीड अप हो जाता है या ये स्लो डाउन हो जाता है। तो इसके स्पीड अप या स्लो डाउन होने से वहां पर एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट, ये जो मैग्नेटिक फील्ड मैंने लिखी है ना, उस मैग्नेटिक उस इलेक्ट्रॉन के कारण आई है, उसके मोशन में चेंजेस के कारण, तो वहां पर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास आती है। बट द मेन पॉइंट हियर इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट इज ऑपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड। और इसके साथ साथ जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो डायमैग्नेटिज्म है, इट इज एक्चुअली द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द एटम्स। अब किसी मटेरियल में डायमैग्नेटिज्म को पैरामैग्नेटिज्म या फेरोमैग्नेटिज्म डोमिनेट कर जाता है, तो वहां पे डायमैग्नेटिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अदरवाइज हर तरह के एटम्स में, जहां जो मैग्नेटिक मटीरियल्स नहीं भी हैं उनमें भी डायमैग्नेटिज्म होता है, क्योंकि एटम में हमेशा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होती हैं जब हम उनको एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डायमैग्नेटिज्म इज प्रॉपर्टी ऑफ ऑल एटम्स, ठीक है, बिकॉज देयर इज इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड फील्ड ऑन द मोशन ऑफ ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड क्वालिटेटिवली कि भाई किस तरह से डायमैग्नेटिज्म एग्जिस्टेंस में आता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, ये आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डायमैग्नेट में हमारे पास बिस्मथ है, एंटीमनी है, जिनमें ज्यादा डायमैग्नेटिज्म शो होता है, गोल्ड है, कॉपर है, मर्क्यूरी, लेड, क्वार्ट्ज एक्सेट्रा। ओके, हमें फिजिकली कैसे पता चलता है कि कोई मटेरियल डायमैग्नेटिक है या पैरा है या फेरो है? तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस केस में ना जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटाइजेशन के कारण मैग्नेटिक फील्ड है पीएम वेक्टर, वो अप्लाइड फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होती है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाले जो मटेरियल्स हैं ये एक्सटर्नल फील्ड को अपोज करते हैं, मतलब एक्सटर्नल फील्ड यहाँ नॉर्थ है यहाँ साउथ है, अगर आप इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो ऑपोजिट वाली फील्ड का नॉर्थ यहाँ बनेगा साउथ यहाँ बनेगा इस मटेरियल के अंदर, मतलब ये जो मटेरियल है ये मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होता है, वीकली रिपेल होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि कैसे हमें पता चलता है कि कोई मटेरियल जो है वो डायमैग्नेटिक है। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है, दीज मटेरियल्स आर वीकली रिपेल्ड by magnetic field, external magnetic field. Okay, जैसे एक अगर हम इलस्ट्रेशन की बात करें, एक सिंपल सी एग्जाम्पल देखें,
मान लो आपके पास इस तरह से एक वॉच ग्लास है, ग्लास है बेसिकली, ग्लास का वॉच ग्लास बोलते हैं इसको। आपने यहां पे दो मैग्नेट रख दिए नीचे ऐसे, दिस इज नॉर्थ पोल लेट अस सपोज, दिस इज साउथ पोल। हमने इन दोनों मैग्नेट्स को यहाँ पे फिक्स रखा हुआ है, दे आर फिक्स्ड ऑन द टेबल, और ये खाली वॉच ग्लास है। इसमें अंदर, इसमें मैंने डायमैग्नेट मटेरियल को पोर कर दिया, ठीक है। तो क्या होता है कि इस रीजन में यहाँ पे आपको पता है ना कि यहाँ नॉर्थ और साउथ पोल पास पास हैं, तो ये वाला जो रीजन है दिस इज ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड, यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। और अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लगा दूं, यहाँ पे इन कंपैरिजन टू दिस पॉइंट, यहाँ पे फील्ड जो है दैट विल बी वीक फील्ड। तो अगर आपने कोई मटेरियल इसके अंदर डाला और वो इस तरह से अरेंज हो जाए लाइक दिस, तो इसका मतलब है कि ये जो दोनों पोल्स थे मैग्नेट के, जहां पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, उन दोनों पोल्स ने इस मटेरियल को पुश किया इस तरफ, रिपेल किया ना, रिपेल करने के बाद वो मटेरियल यहाँ पे इकट्ठा हो गया, मतलब वो वीक फील्ड के रीजन में चला जाता है मटेरियल, स्ट्रॉन्ग फील्ड से हट के वीक फील्ड में चला गया, इसी को बोला जाता है रिपल्शन, कि यहाँ पे रिपल्शन हो रही है। ये मैं जस्ट एक एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ कि फिजिकली कैसे पता चलता है। और सेम डायग्राम में मैंने लेट अस सपोज अब इन दोनों मैग्नेटिक मटेरियल्स को, ये जो नीचे, और इन द सेम केस लेट अस सपोज मैंने इन दोनों मैग्नेट्स को थोड़ा पुल करके दूर दूर कर दिया एक दूसरे से, ऐसे बना दिया डायग्राम, इनको थोड़ा दूर दूर ले गया, वॉच ग्लास वैसा ही है, वॉच ग्लास सेम है वहां पे। तो अब यहां पे फील्ड वीक है, वीकर, एंड हेयर द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। तो इन दिस केस द मटीरियल विल बी अक्यूमुलेटेड लाइक दिस, इस रीजन में ऐसे इकट्ठा हो जाएगा, उस रीजन से हट जाएगा, ये इसने इसको इधर रिपेल किया, इस पोल ने उधर रिपेल किया, ठीक है। तो दोनों ही डायग्राम्स में हमें रिपल्शन शो हो रहा है, तो आपको डायग्राम देख के पता चल जाना चाहिए कि हम रिपल्शन देख रहे हैं या अट्रैक्शन देख रहे हैं। अगर ये कोई दूसरा मटेरियल होता जो अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस सेकंड वाले डायग्राम में वो इस पोल के पास एक्युमुलेट होता, और फर्स्ट वाले डायग्राम में वो मटेरियल यहाँ सेंटर में एक्युमुलेट होता। तो दीज आर द टू डिफरेंट सिचुएशंस टू शो द रिपल्शन ऑफ ए डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो ये थोड़ा फिजिकली पता लग गया आपको डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। अब हम थ्योरी की बात करेंगे कि ये किस तरह से डायमैग्नेटिक मटेरियल्स रिपल्शन शो करते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ डायमैग्नेटिज्म। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि डायमैग्नेटिज्म वहां पे होता है जहां पर हमारे पास कोई भी परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नहीं होती किसी भी इलेक्ट्रॉन की। इसको कैसे समझेंगे? देखिए, वी हैव मटेरियल्स विद इवन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये डायमैग्नेटिज्म शो करते हैं। इवन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो लास्ट वाले दो इलेक्ट्रॉन्स हैं या आठ हैं, वो आपस में पेयर्ड होते हैं। पेयर्ड होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इन ईच पेयर हैव ऑर्बिटल मोशन एंड एज वेल एज स्पिन। तो उनके ऑर्बिटल मोशन और स्पिन इस तरह से अलाइन होती हैं कि वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, ठीक है। तो द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सच एटम्स आर पेयर्ड, such atoms are paired, that means the electrons in each pair, अब अगर हम एक पेयर की बात करें, in a pair have orbital motion as well as spin motion इन ऑपोजिट सेंस। ठीक है, ऑपोजिट सेंस पे होते हैं। तो इसका मतलब है कि जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट है दैट इज जीरो, देयरफॉर म्यू एम वेक्टर ऑफ एन एटम इज जीरो फॉर एन एटम, देयर आर नो परमानेंट डाइपोल्स।
अब जब हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो अलाइन तो कर नहीं सकते क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट्स तो है ही नहीं है, बट मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस होती है, वो कैसे होती है उसको हम समझेंगे। थोड़ा क्वालिटेटिवली पहले बता दूं फिर हम उसको तो लेट अस डिवाइड द इलेक्ट्रॉन्स इनटू टू कैटेगरीज। मान लो ये हमारे पास इस सेक्शन में एक्सटर्नल फील्ड लगा दी मैंने बी नॉट वेक्टर। देखिए मैं अभी क्या कर रहा हूं, एक ऑर्बिट बना रहा हूं दो अलग अलग डायग्राम, दिस इज अ सिंगल ऑर्बिट इन टू डिफरेंट डायग्राम्स। दो इलेक्ट्रॉन्स हैं लास्ट में वैलेंस ऑर्बिट में, तो एज वी नो देर आर इवन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो मान लेते हैं कि इस केस में इलेक्ट्रॉन का मोशन ऐसे है, दिस इज मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरे डायग्राम में ऑर्बिट सेम ही है लेकिन इसमें वही जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है लाइक दिस। ओके, अब अगर मैं करंट्स की बात करूं तो इस केस में जो इस सिंगल इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मोमेंट होगी, हम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, पहले हम करंट देखेंगे, ये करंट की डायरेक्शन है ग्रीन कलर से मैंने बनाई। अब आप करंट के अलोंग अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को घुमाओ, आराम से घुमाओ करंट के अलोंग, आपका थंब जो है बच्चों वो इस डायरेक्शन में आएगा। दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एम वन ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन, एंड इन द सेकेंड केस इलेक्ट्रॉन इज मूविंग लाइक दिस, सो करंट विल बी ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये करंट की डायरेक्शन है। अब फिर से आप राइट हैंड थंब रूल लगा के देखें तो इस केस में जो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट है दैट इज म्यू एम टू वेक्टर। तो अब एक सिंगल ऑर्बिट में हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और उनका जो ऑर्बिटल मोशन है एक का ऐसा है दूसरे का उसके ऑपोजिट है, जिसके कारण दोनों मैग्नेटिक मोमेंट्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट्स, एंड दे आर कैंसलिंग ईच अदर। नाउ इसका मतलब है कि अगर हम म्यू एम वेक्टर की बात करें नेट, तो वो अभी जीरो है। जीरो इसलिए क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर ऑपोजिट मोशन होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स के एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। अब हम मैग्नेटिक फील्ड पे आएंगे। अब मान लो मैंने अब मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑन किया है। जब हमने मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑन किया तो ये वाली मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के जो ऑपोजिट है उसको बोल सकते हैं अनफेवरेबल, अनफेवरेबल म्यू एम वेक्टर। अनफेवरेबल इसलिए क्योंकि ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट है, एंड दिस इज कॉल्ड फेवरेबल, उसके फेवर में है, फेवरेबल म्यू एम वेक्टर। ठीक है, ये म्यू टू वाला फेवरेबल है, म्यू वन वाला अनफेवरेबल है। अब बच्चों क्या होगा, ये जब आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑन किया, इस मैग्नेटिक फील्ड के स्विच ऑन होने के कारण देयर विल बी द चेंज इन फ्लक्स थ्रू दिस ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो उस चेंज इन फ्लक्स के कारण इस ऑर्बिट के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ आती है, क्योंकि बेसिकली इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगती है और उस इलेक्ट्रॉन पे जब फोर्स लगती है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आती है। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का कॉन्सेप्ट आपको याद है, आपको इतनी चीज याद है कि अगर एक सिंगल वायर है आप मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर को इंक्रीज कर रहे हो तो यहां पे करंट आएगा। याद है ये कॉन्सेप्ट सबको, ऐसे आएगा करंट। अगर आप सेम केस में मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज कर रहे हो तो करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। जब आप मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करते हो तो इंड्यूस फील्ड भी उसके अलोंग रहती है, जब आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते हो तो इंड्यूस फील्ड उसके ऑपोजिट आती है। ये चीज आपको थोड़ी सी रिवाइज करनी पड़ेगी अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक्सटर्नल फील्ड के कारण ये फेवरेबल वाला जो इलेक्ट्रॉन है, फेवरेबल मैग्नेटिक मोमेंट वाला, इट गेट स्लो डाउन, ये स्लो हो जाता है। क्यों स्लो होगा, देखो जब आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करोगे तो जहां पे जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आएगी दैट इज ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल फील्ड। अब वो ऑपोजिट होने का मतलब है कि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कुछ ऐसी फोर्स लग रही है कि ये स्लो डाउन हो गया। क्यों, क्योंकि देखो मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्मूले में हमारे पास होता है करंट इनटू एरिया, करंट इज बेसिकली चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, है ना। अब अगर चार्ज स्लो हो जाएगा, इसका मोशन स्लो हो जाएगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट भी कम हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा तो मतलब मैग्नेटिक मोमेंट कम हो जाएगी। तो बच्चे जो मैग्नेटिक मोमेंट फेवरेबल है
अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन में है वो कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन गेट स्लो डाउन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, और इसके स्लो होने से म्यू एम टू डिक्रीजेस बिकॉज म्यू एम डिपेंड्स अपॉन करंट एंड करंट इज रेट ऑफ लॉ ऑफ चार्ज, तो ये डिक्रीज करेगा। अच्छा, इसकी बात करें अनफेवरेबल की, लेंस लॉ के कारण ही ये अनफेवरेबल मैग्नेटिक मोमेंट है, मतलब ये ऑलरेडी अप्लाइड फील्ड को अपोज कर रही है। अब जब अप्लाइड फील्ड यहाँ पे लगेगी, उस अप्लाइड फील्ड के लगने से ये वाला इलेक्ट्रॉन स्पीड अप हो जाता है, तो दिस इलेक्ट्रॉन गेट स्पीड अप, और इसके स्पीड अप होने से जो ऑलरेडी मैग्नेटिक मोमेंट है ये अपोजिट डायरेक्शन वाली म्यू एम एम वेक्टर, ये अब स्पीड अप हो गया तो करंट बढ़ गया, करंट बढ़ने से म्यू एम वेक्टर बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो देयरफॉर म्यू एम वन वेक्टर इंक्रीजेस। अब एक ही सिंगल ऑर्बिट था, उस एक ही सिंगल ऑर्बिट के अंदर ध्यान से देखेंगे, अब मैं एक सिंगल ऑर्बिट बना रहा हूं समझने के लिए, एक ही हमारे पास सिंगल ऑर्बिट था, उस सिंगल ऑर्बिट में इस तरफ था म्यू एम वन वेक्टर और इस तरफ था म्यू एम टू वेक्टर, अभी बी वेक्टर जीरो है, अभी मैंने नहीं अप्लाई किया। उसी सिंगल ऑर्बिट में जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया, कुछ उसकी वैल्यू दे दी बी नॉट, इसके अराउंड जब हमने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, तो जो म्यू एम वेक्टर वन वेक्टर है वो थोड़ा बड़ा हो गया, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन के चेंज होने के कारण, इलेक्ट्रॉन के स्पीड अप होने के कारण, और जो म्यू एम टू वेक्टर है वो थोड़ा छोटा हो गया। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमें नेट डाइपोल मोमेंट म्यू नेट इस डायरेक्शन में मिलेगा, तो दिस इज इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट विच इज ड्यू टू द एक्सटर्नल फील्ड, और इसके पीछे लेंस लॉ, फैराडे लॉ, मैग्नेटिक फोर्स, वो सब चीजें काम कर रही हैं। तो ये एक एटम के साथ हुआ, अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे एटम्स हैं, उसके अराउंड कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सारे मटीरियल के अंदर जितने भी एटम्स हैं उन सब के ऊपर यही इफेक्ट होता है, और जिसके कारण हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट मिलती है, और हमारा जो मटीरियल है ओवरऑल 3D में अगर आप इमेजिन करेंगे तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अप्लाई करने से एक्सटर्नल फील्ड हमने इधर लगाई बी नॉट, तो जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहाँ मैग्नेटाइजेशन हुई है उसकी फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में सेटअप होती है। तो इस केस में अगर हम बात करें आई वेक्टर की, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की, वो भी एच के ऑपोजिट होता है, एच इज मैग्नेटाइजिंग फोर्स एंड दिस इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो ये है डायमैग्नेटिज्म की थ्योरी। तो लेट अस राइट वन लाइन, therefore the applied field modifies orbital motion of electrons, the electron corresponding to favorable म्यू एम वेक्टर मैग्नेटिक मोमेंट गेट स्लो डाउन विच डिक्रीजेस इट्स म्यू एम वेक्टर एंड द इलेक्ट्रॉन हैविंग अनफेवरेबल मैग्नेटिक मोमेंट गेट स्पीड अप, वो स्पीड अप हो जाता है, देयरफॉर इट्स म्यू एम वेक्टर इंक्रीजेस, एज ए रिजल्ट देयर इज नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑपोजिट टू अप्लाइड फील्ड इन द एटम। ये हर किसी एटम की बात हो रही है बच्चों, मैं फिर से कह रहा हूँ, ज्यादातर ये हर किसी एटम के साथ होता है फिनोमिना, बट जिनके इवन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म नहीं शो होता। देखो, जो फेवरेबल मैग्नेटिक मोमेंट वाला इलेक्ट्रॉन है वो ऑलरेडी उसकी मैग्नेटिक मोमेंट अप्लाइड फील्ड के अलोंग है बच्चों, तो इस केस में क्या होता है कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो
उसके ऊपर जो फोर्स लगती है उस फोर्स के कारण, देखो लेंस लॉ ये बोलता है कि हमेशा जो इंड्यूस्ड फील्ड होती है वो अप्लाइड फील्ड के ऑपोजिट होती है। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक मैग्नेटिक मोमेंट है इस मोशन के कारण, आपने सेम डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड लगाई है ना, तो एक यहाँ पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। देखना अभी मैं इसका ना थ्योरेटिकली ड्राइव करूंगा। यहाँ पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, वो जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके कारण इस इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या होना, डीएक्सलरेट, इसको डीएक्सलरेट होना है इसने। वो कहाँ से आती है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी हम ड्राइव करने वाले हैं, तो वो डीएक्सलरेट होता है इसलिए वो स्लो डाउन हो जाता है। ये सेम डायग्राम है, लास्ट में जाके दोबारा से भी एक्सप्लेन करूंगा जब हम इसको थ्योरेटिकली ड्राइव कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो जो अभी हमने थ्योरेटिकली समझा, अब हम उसकी एक छोटी सी डेरिवेशन करेंगे। हम डायमैग्नेटिक सस्केप्टेबिलिटी का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। देखो मैग्नेटिक सस्केप्टेबिलिटी का आईएम का फॉर्मूला होता है I इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट मैग्नेटाइजिंग फोर्स, ये का ई एम होता है। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में ये दोनों चीजें एक दूसरे के ऑपोजिट होने के कारण इसका आंसर नेगेटिव आता है। तो अभी हमें इसके लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करना है, और जब हम इसको ड्राइव करेंगे उसी में देखना कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का मोशन जो है वो स्लो डाउन या स्पीड अप होता है, वो भी इसी में हमें आंसर मिलेगा जब हम थोड़ा थ्योरेटिकली चलेंगे। लेट अस फाइंड एक्सप्रेशन फॉर डायमैग्नेटिक सस्केप्टेबिलिटी, एक्सप्रेशन फॉर डायमैग्नेटिक सस्केप्टेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट का ये। देखिए ये हमारे पास सिचुएशन है, यहां पे कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लेते हैं एक, ये रीजन है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। यहाँ पे एक्स जेड प्लेन के अंदर ये एक ऑर्बिट है, ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यहाँ न्यूक्लियस है सेंटर में। इलेक्ट्रॉन का मोशन यहाँ पे ऐसे मान लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है हमारा और इस तरफ जा रहा है, मैंने यहाँ लिख दिया इलेक्ट्रॉन मोशन। किसी टाइम टी पे इलेक्ट्रॉन ऐसे यहाँ से मूव कर रहा है, इस पोजिशन पे है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो करंट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यहां पर हमने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया इन दिस डायरेक्शन, दिस इज बी वेक्टर। ओके, सो ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड व्हेन वी अप्लाई द मैग्नेटिक फील्ड वी स्टार्ट विद जीरो फील्ड बट वी स्लोली इंक्रीज द फील्ड टू मैग्नीट्यूड पी। तो लेट अस सपोज एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो and we slowly increase b vector to, मैं लिखते हैं magnetic field to b vector, ठीक है। ओके, अब यहां पे ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है, हर जगह कांस्टेंट है, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा अराउंड दिस ऑर्बिट, इस ऑर्बिट की रेडियस अगर आर है तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द ऑर्बिट, या ना ईएमआई की एप्लीकेशन चल रही है। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, वैसे बी डॉट एस होता है बट यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट जो है कॉस थीटा कॉस जीरो जीरो वन होता है, तो इसलिए सीधा लिख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो मैग्नेटिक फील्ड इज बी एंड एरिया इज पाई आर स्क्वायर, ये मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे रहेगा। तो हेयर आर इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ये साथ साथ लिखना होता है इन चीजों को, एंड बी इज मैग्नेटिक फील्ड एट एनी टाइम टी। ठीक है, ओके। अब इस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के कारण, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहां पे चेंज हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, देयर इज इंड्यूस्ड ईएमएफ अराउंड द ऑर्बिट। सो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, पूरा लिख लेते हैं यहां पे, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ देयर इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ विद द ऑर्बिट, विद इन द ऑर्बिट
देखो जो EMF होती है बेसिकली वोल्टेज होती है, उसको हम फाइंड कर सकते हैं फैराडे लॉ से, विच इज -d∅dt, बट वो माइनस साइन डायरेक्शन के लिए है, डायरेक्शन वोल्ट डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं सिर्फ अब इसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ d∅dt। मतलब हम इस फ्लक्स को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो EMF का एक्सप्रेशन आ जाएगा। चलो इसको डिफ्रेंशिएट करना है, पाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है क्योंकि यहाँ पे रेडियस तो कॉन्स्टेंट है ऑर्बिट की, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रही है, तो अंदर आ जाएगा डिफरेंशिएशन के अंदर बी रहेगा। ठीक है, दिस इज इक्वेशन वन। तो दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेंजेंट टू द पाथ, इसके मोशन के टेंजेंशियल होती है। ठीक है, ओके। तो बच्चों ये जो अभी इंड्यूस्ड ईएमएफ आई है ना, इसके कारण इस इलेक्ट्रॉन ने देखना स्पीड अप होना है। देखते कैसे होना। देखिए अगर मैं अभी बात करूं, इलेक्ट्रॉन हमारा ऐसे घूम रहा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये करंट की डायरेक्शन है, तो यहाँ पे जो ऑलरेडी मैग्नेटिक मोमेंट इस एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्ट कर रही है वो ये है म्यू एम वेक्टर, नीचे की तरफ आएगी। मतलब ये अनफेवरेबल है, अनफेवरेबल मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को स्पीड अप होना। वो मैंने अभी आपको बताया कि अनफेवरेबल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्पीड अप होते हैं। अब देखते हैं कैसे स्पीड अप होना है। ध्यान से देखेंगे, ये जो मैंने म्यू एम वेक्टर बच्चे बनाया ना, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण है। अब हम यहाँ पे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट की बात करने वाले। आपने लेंस लॉ पढ़ा हुआ है EMI में। देखिए अगर हमारे पास एक सिंगल लूप है, एक सिंपल वायर है कंडक्टिंग लूप, यहाँ पे हमने इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाई B, और अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करेंगे तो इसके इंक्रीज होने से जो इसके अराउंड मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी इंक्रीज होगा। तो लेंस लॉ ये बोलता है कि जो यहाँ पे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रही है, उसको अपोज करेगी। अपोज तभी करेगी ना जब इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड फील्ड के ऑपोजिट आए, है ना। तो इंड्यूस फील्ड हमेशा अप्लाइड फील्ड के ऑपोजिट होती है जब हम अप्लाइड फील्ड को इंक्रीज करते हैं। यहां पर भी वही चीज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है बी वेक्टर, तो उसके इंक्रीज होने से जो इंड्यूस फील्ड है वो नीचे की तरफ आएगी। इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड के कॉरस्पॉन्डिंग जो इंड्यूस करंट है वो कैसे आएगा, नीचे थंब रखो अपना, और करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में बनेगा लाइक दिस। इसको मैं आई डैश बोल देता हूँ। यहाँ पर भी आप देख लीजिए, अपना थंब हम इस डायरेक्शन में रखते हैं और राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, थंब इधर रखा, फिंगर्स मेरी ऐसे घूम रही हैं, तो यहाँ पे जो करंट आता है लूप में वो ऐसे हम डायरेक्शन फाइंड करते हैं। प्लस टू में आपने ऐसी एग्जाम्पल्स करी होगी। वापिस आ जाओ, ये जो आई डैश है बच्चों, ये हमारे पास ऐसे चल रहा है इंड्यूस करंट आई डैश। ठीक है, ये इस इलेक्ट्रॉन के स्पीड अप होने से ही आ सकता है। देखते कैसे स्पीड अप होगा। अब ये करंट आई डैश पहले नहीं था, अब आया। मतलब जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है ये पहले स्लोली मूव कर रहा था, जैसे ही मैंने मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑन किया ये स्पीड अप हो गया, तो इसके स्पीड अप होने से आई डैश आ गया। अच्छा, ये स्पीड अप कब होगा? इसको स्पीड अप होने के लिए तो इस ऑर्बिट के अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको पता है ना इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाई हुई है, मान लो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है ना, ये ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे फोर्स लगती है Fe। तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगनी है क्योंकि आई डैश बढ़ रहा हमारा। इसका मतलब है वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब इस इंड्यूस ईएमएफ के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको फाइंड करते हैं। देखो आपको ये डेफिनेशन पता होगी, इंड्यूस ईएमएफ इज क्लोज लाइन इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डीएल। डीएल इज अ स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ ऑन दिस पाथ, ये इस ई वेक्टर के अलोंग ही लेते हैं हम, तो ई ऐसे डीएल कॉस 0 डिग्री बन जाता है। ठीक है, क्योंकि डीएल वेक्टर की डायरेक्शन ये वाली है और ई की भी डायरेक्शन ये है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। ई यहाँ से बाहर आ जाएगा और डीएल की इंटीग्रेशन बनेगी 2 पाई आर, क्योंकि जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट है दैट इज आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। फ्रॉम दीज टू इक्वेशन आई कैन राइट ई इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर dB/dt। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। फ्रॉम हेयर आई कैन फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, आर से आर कैंसिल हो गया, एंड द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान देना, ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है अराउंड द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ये आ जाएगी मेरे पास आर बाई टू डी बी बाई डी टी, इक्वेशन नंबर थ्री. नाउ ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड देयर विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय ई इनटू कैपिटल ई. ड्यू टू दिस फोर्स देयर इज एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो आई कैन राइट स्मॉल ई इनटू कैपिटल ई इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन एंड दिस कैन बी रिटन एज स्मॉल ई इनटू कैपिटल ई, दिस इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मास टाइम्स डीवी बाय डीटी. ओके, लेट अस सब्स्टिट्यूट the capital E here and this is small e r by 2 dv by dt and here m dv by dt. Okay, so here dt and dt get cancelled and there is change in speed of electron due to change in magnetic field which is E r by 2m d. So this equation is very important. ये इक्वेशन हमें बता रही है चेंज इन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड एंड यू कैन सी कि एज मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन विल आल्सो इंक्रीज. सो लेट अस कंसीडर दैट मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम जीरो टू ए वैल्यू बी वेक्टर एंड the speed of electron is increased by delta v. ठीक है, delta v. तो ये delta v कैसे, let us suppose initial speed जो थी that is v naught to v naught plus delta v. ठीक है, okay. So now we will integrate equation number 4. We will get integration of dv from v naught to v naught plus delta v is equal to e r by 2m dv. इसको भी हमें इंटीग्रेट करना है फ्रॉम जीरो टू वी. तो जस्ट यहाँ पे लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन पुट करके डेल्टा वी आ जाएगा चेंज इन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज ई आर बी बाय 2m. नाउ एज वी नो this is the change in speed of electron due to applied field. Now as we know the magnetic moment of electron in its orbit is given by E V R by 2. ये हम already derive कर चुके हैं बच्चों. यहाँ पे अगर हम change in magnetic moment लिखना चाहते हैं delta mu m because there is change in magnetic moment that is E R by 2 delta v. So we will substitute delta V from equation 5 here. So it will be ER by 2 into ER B by 2M. So this is the change in magnetic moment of revolving electron which is E square R square by 4M into B. ठीक है जी? Okay. Now what is the direction of this change in magnetic moment? जो मैंने अभी आपको डायग्राम से समझाया कि जो इंड्यूस मैग्नेटिक मोमेंट होती है दैट इज ऑपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड. अप्लाइड फील्ड इज अलोंग वाई एक्सिस सो दिस विल बी अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस. तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें ना वेक्टर लगा के डायरेक्शन भी बतानी है तो माइनस ई स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 4 एम बी जे का मतलब वाई एक्सिस के ऑपोजिट ये हमारे पास चेंज आएगा. तो एज वी नो दिस इज द चेंज इन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन which is revolving around the nucleus in an orbit of radius r and around which there is magnetic field B vector. वो magnetic field 0 से B तक जब हमने change करी उसके corresponding this is the change in magnetic moment. Now if we talk about atom, atom के अंदर z number of electron होते हैं, atomic number जो होता है उसका, तो हम atom की भी magnetic moment लिख सकते हैं. So let us write induced magnetic moment in an atom. Therefore induced magnetic moment in an atom. तो एटम के केस में हम क्या करेंगे इसको ऐसे लिख लेंगे म्यू एम वेक्टर डेल्टा. एटम के लिए करना है पैर में एटम लिख देते हैं इसके. हाँ, और ये होगा जेड क्योंकि जेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जेड टाइम्स डेल्टा म्यू एम वेक्टर.
यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं म्यू एम वेक्टर की, तो बन जाएगा माइनस जेड ई स्क्वेयर आर स्क्वेयर बाय टू एम बी वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि बी वेक्टर की डायरेक्शन और डेल्टा म्यू एम वेक्टर की डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन है। नाउ इन ए बल्क सैंपल, अगर हमारे पास एक बल्क मटेरियल है तो बच्चे उस केस में एन नंबर ऑफ एटम्स अगर हैं पर यूनिट वॉल्यूम, इफ एन इज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो इन दैट केस वी विल हैव मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, या मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस बोल सकते हैं, या जो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर बनता है वो एक्चुअली क्या होता है, वो सबके लिए होता है, ओवरऑल जितने भी सैंपल के अंदर एटम्स हैं उन सबकी मैग्नेटिक मोमेंट को हम ऐड कर देते हैं, तो उसको हम लिख सकते हैं कैपिटल एम वेक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हर किसी एटम का म्यू एम वेक्टर जो अभी हमने अभी फाइंड किया। तो यहां n से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस n z e स्क्वेयर r स्क्वेयर बाय 2m b वेक्टर, यहां पे जो फैक्टर है सारा का सारा, ये सारा फैक्टर ये कांस्टेंट है फॉर ए गिवन मटेरियल। देखिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ऑर्बिट की रेडियस है, ये वैसे क्लासिकल एक्सप्रेशन है, ऑर्बिट की रेडियस डिस्क्रीट होती है जो बोहर मॉडल ऑफ एटम्स से हम फाइंड कर सकते हैं फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स, तो ये वो थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है, बट अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स एम वेक्टर इज काई एम टाइम्स बी वेक्टर, तो देयरफॉर काई एम इज दिस वेक्टर व्हिच इज नेगेटिव आल्सो माइनस जेड ई स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 4m चल रहा था, नीचे 2m चल रहा था, ये डिनोमिनेटर में बच्चे 4m चल रहा है, बाय मिस्टेक आई हैव रिटन 2, इसको करेक्ट कर लेंगे। So this is the expression for diamagnetic susceptibility. इसके साथ लिख देते हैं ब्रैकेट में। This is the final expression.